गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th क्लास के बच्चों से मेरी यही आशा है कि जो मैंने आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन जो चालू किया था हमारा पॉलिटिकल का, उसके कारण आपके मन में पॉलिटिकल साइंस के प्रति इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक जो है उसकी जानकारी दे रही हूँ, जिससे कि आप लोग अपना पूरा मन बना लें कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको क्या पढ़ना है और आपको इनकी एक सामान्य जानकारी जो है वो पूरी तरह से मिल जाए कि आप पॉलिटिकल में क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे। इसलिए अभी हम सिर्फ अपना जो बेसिक है उसी को ही पढ़ेंगे। आप लोग अपनी बुक्स वगैरह ख़रीद लीजिएगा। जल्द ही एक दो लेक्चर्स के बाद में मैं आप लोगों को आपके चैप्टर अनुसार जो है वो पढ़ाना चालू करूँगी। अभी मैं आप लोगों को मेन चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि इस जो आपका न्यू बुक जो आपकी आई है कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो बुक है, उसके अंदर भी और 12th लेवल पर भी और आगे के लेवल्स पर भी एक ऐसा टॉपिक है जो आप हर बार पढ़ते हैं, और वो टॉपिक हमारा है सरकार के अंगों का। तो इसके बारे में मैं आपको एक सामान्य सा इसका एक परिचय, इसका एक जानकारी आपको दे देना चाहती हूँ। आगे अपन जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से और विस्तार से पढ़ेंगे। बाकी अभी आप इसको एक इंट्रोडक्टरी रूप के अंदर देखेंगे कि सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं, ये क्या काम करते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इनका संक्षिप्त परिचय देती हूँ। देखिए, सरकार जो है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सरकार होती क्या है। तो देखो, सरकार जो है वो एक ऐसा यंत्र होता है जो संविधान में लिखे हुए जो नियम हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको कार्य रूप में लागू करता है। संविधान जो है वो तो एक दस्तावेज के रूप में है, एक लिखित दस्तावेज है, लेकिन उनके लिखे प्रावधानों को कोई लागू भी तो करेगा। तो ये करने का कार्य कौन करता है? ये करती है हमारी सरकार। अब सरकार जो है वो इस कार्य को करने के लिए उसके अंग हैं। तो सरकार के मेन रूप से तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, सरकार जो है उसके तीन मेन अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका सरकार का वो अंग होता है जो कि कानूनों को बनाता है। देखो, देश की शासन व्यवस्था जो है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको कानून की व्यवस्थाओं की ज़रूरत होती है, और देश में कानून बनाने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। अब आप कहेंगे व्यवस्थापिका क्या होती है? तो व्यवस्थापिका जो होती है उसको केंद्र और राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। केंद्र के अंदर व्यवस्थापिका को हम कहते हैं संसद। इसका नाम आपने सुना होगा, 10th में भी आप ये चीज़ें पढ़ चुके हो थोड़ी बहुत। केंद्र में व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, और संसद जो है वो दो सदनों से मिलकर के बनती है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो होती है उसको निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा जो होती है उसको उच्च सदन कहा जाता है। वैसे जो इम्पॉर्टेंट सदन है इन सब में, इन दोनों में, वो है लोकसभा। लेकिन राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं वो ज़्यादा योग्यतम होते हैं और अनुभवी होते हैं, इसलिए इसको उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, तो केंद्र में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद। और संसद कितने सदनों से मिलकर के बनती है? लोकसभा और राज्यसभा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें आपको कि राष्ट्रपति जो होता है वो भी संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, तो अगर पूरा डिटेल में अगर ये पूछा जाए संसद किससे मिलकर के बनेगी, तो आपको बताना है राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपन राज्यों में बात करते हैं तो राज्य के अंदर व्यवस्थापिका को विधानमंडल के नाम से जाना जाता है, और विधानमंडल जो है उसके अंदर भी दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि भारत के सभी राज्यों के अंदर ये दोनों सदन नहीं हैं। ठीक है, जो सदन सभी राज्यों में है वो है विधानसभा। विधान परिषद आपको हर राज्य के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो विधानसभा जो है वो हर राज्य के अंदर मिलता है।
तो इस प्रकार से ये हमारा एक व्यवस्थापिका का एक ढांचा है जिसको केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल कहा जाता है। बाकी इसके बारे में जो अपन विस्तार से चर्चा है वो अपन इनके जो चैप्टर्स हैं, इन तीनों के अलग अलग चैप्टर्स आएंगे 11th में ही आपके, उनमें अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा अंग आता है वो आता है कार्यपालिका का। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। देखो केवल कानून बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमने कोई चीज़ बना दी, बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको लागू करना। जब तक आप लागू नहीं करेंगे तो फिर उसके बनाने का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य कौन करता है? कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका के वैसे बहुत से प्रकार होते हैं लेकिन मेन जो आपको ध्यान रखना है वो है नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र का मतलब क्या है? नाममात्र का तात्पर्य होता है जिसके नाम से शासन चलाया जाता है, अर्थात वास्तव में वो कोई कार्य नहीं करती है लेकिन नाम किसका चलता है? उसका ही चलता है। और वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? वास्तविक कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जो कि वास्तव में कार्यों का संपादन करती है। देखो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं के अनुसार हैं। अभी ये दोनों व्यवस्थाएं क्या होती हैं इनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी डिटेल में आगे कि संसदीय व्यवस्था अध्यक्षात्मक व्यवस्था ये क्या है। ये मैं आपको व्यवस्थाओं वाले जो मैं आपको अगला लेक्चर दूंगी उसके अंदर मैं आपको समस्त व्यवस्थाओं के बारे में बताऊंगी कि संघात्मक, एकात्मक, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक क्या है, ठीक है। तो ये कार्यपालिका कानूनों को लागू करने वाला अंग है। और लास्ट जो हमारा अंग आता है वो आता है न्यायपालिका। कानून बनना भी इम्पॉर्टेंट है, उनका लागू होना भी इम्पॉर्टेंट है और उनका पालन करवाना भी इम्पॉर्टेंट है। तो न्यायपालिका सरकार का वो अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों को पालन करवाता है और अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे तो न्यायपालिका के द्वारा दंड की व्यवस्था भी की जाती है, ठीक है। सबसे ऊपर इसका ढांचा अगर आप देखो न्यायपालिका का, तो सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट, इसके निर्णय अंतिम होते हैं या अपील का अंतिम न्यायालय है। उसके नीचे होता है उच्च न्यायालय जिसको आप हाई कोर्ट बोलते हैं, हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील आप सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। और सबसे निचले जो न्यायालय होते हैं वो होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। सबसे पहले कोई भी जो विवाद होता है वो सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय में ही जाता है, उसके बाद उच्च न्यायालय में जाता है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी न्यायपालिका का एक ढांचा है। तो ये एक आपके सामान्य इंट्रोडक्शन है सरकार के अंगों का। इसके बारे में आप एक बार डिटेल से अपन आगे भी पढ़ेंगे, अभी आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।